गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में और इस दृष्टि जियोग्राफी की सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है, यह दृष्टि की सीरीज चल रही है और आज इस सीरीज की यह 8वीं क्लास है। 7 क्लासें इससे पहले हो चुकी हैं। आपका मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और मेरे साथ अपनी तैयारी को नियमित रूप से जारी रखें और इस सीरीज का आनंद लें। अपने प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहें और पढ़ते रहें। अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं, जहां से मैंने पिछली क्लास को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करता हूं। और इस क्लास में हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे जिसका टाइटल था जियोमॉर्फिक रीजन्स। और इसमें हमने जो पठारों के मतलब केंद्रीय उच्च भूमि थी उसके बारे में पढ़ा था, उसका विभाजन पढ़ा था हमने कि उसको अलग अलग कितने भागों में बांटा गया है। और उसका आखिरी भाग था ये मालवा का पठार, इसको पढ़ ले नहीं आखिरी भाग नहीं था, इसमें हमने मालवा का पठार कंप्लीट कर लिया था। अभी इसमें और आगे बचे हैं तो हम इसमें बुंदेलखंड के पठार से स्टार्ट करते हैं कि जैसे बुंदेलखंड का पठार है जो इसका विस्तार है ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। जो ये बुंदेलखंड का पठार है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में इसका अधिकतर विस्तार पाया जाता है बुंदेलखंड का, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा, तथा मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसके 8 जिले आते हैं, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर और विदिशा आते हैं। सॉरी दोस्तों, बुंदेलखंड को तो मैंने पिछली क्लास में कर लिया था, इसमें कंप्लीट कर लिया था, इसमें छोड़ा था मैंने विंध्यन श्रेणी से। तो इससे स्टार्ट करता हूँ इसको कि इसका विस्तार विंध्यन श्रेणी का विस्तार जो है गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक पाया जाता है। जो विंध्यन श्रेणी है इसका विस्तार गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक पाया जाता है। इसे गुजरात में जोबट हिल, बिहार में कैमूर हिल कहा जाता है। जो विंध्यन श्रेणी है इसे गुजरात में तो जोबट हिल कहा जाता है, बिहार में इसे कैमूर हिल कहा जाता है। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा घाटी स्थित है जो विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। जो नर्मदा नदी है इसे विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा से अलग करती है, ठीक है। विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है जिसमें विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियां प्रमुख हैं। और लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव पाया जाता है, परंतु भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका जो आर्थिक महत्व है वह बहुत अधिक है। यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक भी है क्योंकि यह गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है, ठीक है। यह उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक है। आगे है सतपुड़ा श्रेणी, यह भारत के मध्य भाग में स्थित है जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ तथा छोटा नागपुर के पठार तक है। यह पश्चिम से पूर्व राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। पूर्व से पश्चिम तक यह राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल की पहाड़ी के रूप में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। ये धूपगढ़ पूछा जाता है कि किस पर्वत पर स्थित है, तो महादेव पर्वत पर स्थित है। और मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है अमरकंटक है जिसकी ऊंचाई 1065 है तथा इसके कुछ अन्य स्रोतों में इसकी जो है ऊंचाई अलग दी हुई है। यहां से नर्मदा व सोन नदी का उद्गम है। अमरकंटक की जो पहाड़ी है इसी से निकलती है नर्मदा और सोन नदियां। यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है
जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से होता है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। आगे पूर्वी पठार, इसके अंतर्गत निम्नलिखित मतलब आगे दिया गया है कुछ वो देखते हैं। पूर्वी पठार में ये कुछ प्रमुख क्षेत्र दिए हुए हैं, जैसे छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी का बेसिन भी कहा जाता है इसे, और दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। इसका विस्तार जो है मुख्यतः झारखंड में है। ये छोटा नागपुर का पठार है, इसका जो मुख्यतः विस्तार पाया जाता है वह झारखंड में है। इसके अलावा इसका दक्षिणी बिहार में भी पाया जाता है इसका कुछ हिस्सा, और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। पश्चिमी बंगाल का पुरुलिया जिला, उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर के लिए प्रसिद्ध है। और इस पठार के उत्तर पूर्वी भाग में जो है राजमहल की पहाड़ियां, उत्तर में हजारीबाग का पठार, दक्षिण में सांची रांची का पठार, इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से ही छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। जैसे इसके उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार, इन जब तीनों को संयुक्त रूप से मिला देते हैं तो उसी को छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। दामोदर नदी जो है रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। ठीक है, यह छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी भी है। और दामोदर नदी बेसिन जो है कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हजारीबाग पठार की चोटी सबसे ऊंची जो चोटी है वो पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। यह जैनियों के लिए भी प्रसिद्ध है। रांची के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियों में स्वर्णरेखा नदी है, जो छोटा नागपुर पठार की दूसरे सबसे बड़ी नदी है। और रांची के समीप इस नदी पर जो जलप्रपात है उसको हुडरू जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में प्रमुख रूप से ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति या द्वीप रूपीय स्थलाकृति को पाट भूमि भी कहा जाता है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से पाट क्षेत्र एक उत्थित भूखंड का भाग है। आगे छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन, इसमें देखते हैं कि छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ में एवं ओडिशा राज्यों में है, जिसका निर्माण अवतलन या धसाव की प्रक्रिया द्वारा होता है। छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है, तथा यह स्वयं महानदी के छोटा नागपुर पठार के रांची पठार से अलग होता है। यह छत्तीसगढ़ बेसिन छोटा नागपुर के रांची पठार को तो दंडकारण्य के पठार से अलग करता है, तथा स्वयं भी महानदी के द्वारा छोटा नागपुर के पठार के रांची पठार से अलग होता है, जो छत्तीसगढ़ बेसिन है। यहां पर महानदी तथा उसकी सहायक नदियां पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं शिवनाथ, हसदो, मांड, ईव, ये प्रमुख रूप से प्रमुख नदियां हैं इसकी सहायक महानदी की। छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जो प्रमुख रूप से कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं, और जो भारत का 98% तकरीबन कोयला पाया जाता है वो इन्हीं चट्टानों से पाया जाता है, गोंडवाना से। आगे दंडकारण का पठार, इसका विस्तार ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना तक पाया जाता है, अतः भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह अत्यंत ही ऊबड़ खाबड़ एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है। यह उपजाऊ भूमि नहीं है, लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से देखा जाए तो इसका जो है महत्व तो बहुत अधिक है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम भी यहीं से होता है। भारत में टिन धातु दंडकारण पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। हाँ, तो ये थे आपके सामने दंडकारण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आपके सामने उत्तर पूर्वी पठार,
और उत्तर पूर्वी पठार में भी सबसे पहले पहले है मेघालय का पठार। मेघालय के पठार में देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो है और इसकी उत्पत्ति और इसकी संरचना के बारे में देखते हैं कि इसकी संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार यानी छोटा नागपुर का पठार का ही पूर्वी भाग है, जो राजमहल गारो गैप यानी जिसे मालदा गैप के नाम से भी जानते हैं उसके द्वारा अलग होता है। जो ये मेघालय का पठार है यह छोटा नागपुर के पठार का ही पूर्वी भाग है और यह राजमहल गारो गैप जिसे मालदा गैप भी कहते हैं उसके द्वारा अलग होता है। ठीक है, इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां तथा मेकेर आदि पहाड़ियां पाई जाती हैं और यह मेघालय में पाई जाती हैं, गारो खासी और जयंतिया। ठीक है, और गारो खासी जयंतियां इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां भी हैं। इन पठार मतलब जो पहाड़ियां हैं इन इनके नाम पर ही जो ये जनजातियां हैं इनका नाम पड़ा है, गारो खासी और जयंतियां। खासी पर्वतीय क्षेत्र का कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण ही यह औसत से अधिक वर्षा होती है। जो खासी पर्वतीय क्षेत्र है यह कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित है और इसी कारण यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित माँ सिरराम एवं चेरापूंजी विश्व के सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र यहीं पर पाए जाते हैं। माँ सिरराम और मेघालय, माँ सिरराम और चेरापूंजी ये मेघालय में है। यहाँ दहाड़वाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची जो चोटी है वो नोक्रेक या मेगा जो है वो मेघालय में स्थित है। नोक्रेक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण ही यहाँ अधिकतर लेटराइट मिट्टी या सदा पाई जाती है और यहाँ पर सदाबहार वनों का विकास हुआ है। जैसे मालदा गैप या राजमहल गारो गैप के बारे में दिया हुआ है कि इसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धसाव की प्रक्रिया के द्वारा हुई है। जो मतलब इस मालदा गैप के क्षेत्र की जो भूमि है वो अंदर को धस गई थी जिस कारण इस गैप का निर्माण हुआ था और इसी के द्वारा मालदा गैप वो छोटा नागपुर के पठार से अलग हुआ था, मतलब मेघालय का पठार। इसके द्वारा छोटा नागपुर तथा राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, पहले पढ़ा था इसमें, और इसीलिए इसे राजमहल गारो गैप भी कहा जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप भी कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का मालदा या राजमहल गैप में निक्षेपण से डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है। इस डेल्टाई मैदान में पीट मृदा की उपलब्धता के कारण ही मैंग्रोव वनस्पति का विकास भी हुआ है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला सुंदरवन भारत के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, आगे अब देखते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है इसका विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में पाया जाता है और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो नीचे दिए हुए हैं, जिसमें प्रमुख है दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार या आंध्र का पठार। इसमें पहले देखते हैं दक्कन ट्रैप। महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित इस संरचना मतलब ये जो संरचना है महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में बेसाल्ट से निर्मित है यह संरचना होने के कारण यहाँ काली मिट्टी का विकास अधिक हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र में कपास की जो उत्पादन है वो अधिक किया जाता है। इसका विस्तार 16 अंश उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक पाया जाता है। इसी पठारी क्षेत्र में गोदावरी नदी भी अपवाहित होती है, मतलब इसी क्षेत्र के अंतर्गत गोदावरी का क्षेत्र भी पाया जाता है। सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार भी इसी पठारी क्षेत्र में है। अब आगे देखते हैं, आगे अब इसमें कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार में है कि इस पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड भी कहा जाता है। बाबा बुदान यहाँ की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है।
तथा मुल्यान गिरी जिसे मुलन गिरी भी कहा जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मतलब बाबा भूदान यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है और इसकी बाबा भूदान की मुल्यान गिरी जिसे मुलन गिरी भी कहा जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ऑक्सफोर्ड जो एटलस है उसमें कुंद्रेमुख को बाबा भूदान की सबसे ऊंची चोटी बताया गया है, कुंद्रेमुख को। और मलनाड से संलग्न पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैदान कहते हैं, जिसमें औसत से अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को बंगलुरु का पठार एवं मैसूर का पठार के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण इस पठारी क्षेत्र में धात्विक खनिज संसाधनों के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है लोह अयस्क का प्रमुख सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, जिसके लिए बाबा भूदान पर्वतीय क्षेत्र प्रमुख है। मैसूर के पठार में ही कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, सरावती व भीमा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और सरावती तथा भीमा। सरावती नदी का भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात है। सरावती नदी पर जिसे जोग या गरसोपा का जलप्रपात भी कहा जाता है तथा इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। सरावती नदी पर है जोग या गरसोपा का जलप्रपात, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, याद रखना। और कूचिकल जलप्रपात भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी औसत ऊंचाई है 455 मीटर, जो कि शिमोगा जिले में कर्नाटक में पड़ता है और वाराही नदी पर है। वाराही नदी पर है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात। आ गया आंध्र का पठार। आंध्र के पठार के अंतर्गत रायल सीमा का पठार तथा तेलंगाना के पठार को शामिल किया जाता है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिणी पठारी क्षेत्र को रायल सीमा का पठार कहते हैं। यहाँ बेलीकोंडा, पालकोंडा तथा नल्लामलाई पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, जबकि कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार भी कहते हैं। तेलंगाना का पठार, तेलंगाना के पठारी जो तेलंगाना के पठार का उत्तरी हिस्सा है और इसका दक्षिणी हिस्सा, मतलब तेलंगाना के पठार का ऊपरी हिस्सा तथा इसका दक्षिणी हिस्सा उपजाऊ मैदान है। कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में कोलेरू झील अवस्थित है, जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। जो भारत की कोलेरू झील है वो एशिया की सबसे बड़ी दलदली झील है। अब इसके बाद है दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। इसमें है दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ियां आती हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ियां। डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना। नीलगिरी पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उड़ग मंडलम या ऊटी नीलगिरी पर ही अवस्थित है। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नाईमुड़ी है, जिसकी औसत ऊंचाई 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की कहा जाए तो सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिणी पठार की यह सबसे ऊंची है, जबकि कार्डमम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है एवं यह केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आगे इसमें नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा है, याद रखना। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा, जो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, जबकि अन्नामलाई और कार्डमम के बीच सेनकोट दर्रा है। अन्नामलाई और कार्डमम के बीच सेनकोट दर्रा, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच है, और सेनकोट दर्रा अन्नामलाई और कार्डमम के बीच है, ठीक है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोयम्बटूर
कोडाई कनाल पालनी पहाड़ियों में ही स्थित है। केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित शांत घाटी सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। आगे कुछ पर्वत दिए हुए हैं और उसकी अवस्थिति के बारे में दिया हुआ है कि एक साइड पर्वत है जैसे नीलगिरी पर्वत है, यह केरल और तमिलनाडु में स्थित है। आगे अन्नामलाई पर्वत, यह भी केरल और तमिलनाडु में स्थित है। आगे कार्डमम पर्वत, यह भी केरल और तमिलनाडु। आगे इसमें पालनी पर्वत, यह ओनली तमिलनाडु में है। आगे सेवराय पर्वत, यह भी तमिलनाडु में। जवादी पर्वत, यह भी तमिलनाडु में है। आगे पालकोंडा, वेलिकोंडा और नल्लामलाई, ये तीनों आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। पालकोंडा, वेलिकोंडा पर्वत और नल्लामलाई ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ये जो नल्लामलाई है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की सीमाओं पर स्थित है। आगे अब पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है ये अरब सागर के तट के समांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। और पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। महाबलेश्वर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। आगे देखते हैं इसमें, यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने यानी महाराष्ट्र गुजरात की सीमा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कन्याकुमारी अंतरी तक फैला हुआ है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना के विभाजन से निर्मित कगार तथा स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसंमेलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा हुआ है जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा है। इसका जो पश्चिमी ढाल है तीव्र है एवं खड़ा हुआ भी है और इसका जो पूर्वी ढाल है वो मंद है और सीढ़ी नुमा भी है। ठीक है, महाबलेश्वर के पास ही गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदियां का उद्गम स्थल है। महाबलेश्वर के पास है गोदावरी, भीमा और कृष्णा का नदियों का जो उद्गम स्थल है यह महाबलेश्वर के पास है। यहाँ की नदियां अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, आगे प्रायद्वीपीय भारत के कुछ प्रमुख दर्रे दिए हुए हैं जैसे थालघाट दर्रा है, ये महाराष्ट्र में स्थित है और मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ठीक है, आगे बोरघाट दर्रा, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है और मुंबई और पुणे को जोड़ता है। और ये पालघाट दर्रा यह केरल में स्थित है जो पलक्कड़ और कोयम्बटूर को जोड़ता है तथा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। आगे सेनकोट दर्रा यह केरल में स्थित है, तिरुवंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। आगे इंडिया का मैप दिया हुआ है, जैसे इस मैप को आप, मैं छोटे रूम में कर देता हूँ, आप इसे जूम कर करके देखना। ठीक है, ये देखो दक्षिण भारत में चल रहे थे हम, जैसे ये नीलगिरी की पहाड़ियां हो गई, इसके नीचे ये डोडावेटा, ये अन्नाईमुड़ी, ये इलायची की पहाड़ियां जिन्हें कार्डमम की पहाड़ियां भी कहते हैं। और ये हो गया आपके सामने, ये पूर्वी घाट हो गया, ये महाबलेश्वर हो गया, ये पश्चिमी घाट है इधर। ठीक है, ये महेंद्रगिरी है यहाँ पर, ये यहाँ पर मैकाल पर्वत है, ये मध्य भारत में धूपगढ़ की हो गई, ये महादेव की पहाड़ियां, ये कलसुबाई, ये सतपुड़ा रेंज हो गई, ये गिरी की पहाड़ियां हैं ये गुजरात में, और ये राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा की तरफ है, ये विंध्याचल पर्वत, ये गुरु शिखर है राजस्थान में, ये अरावली पर्वत है ये राजस्थान में। ठीक है, और ये देखो ये कैमूर पर्वत, ये राजमहल, ये पारसनाथ, ये राजगिरी की पहाड़ियां, ये मलयगिरी। और देखो और चलते हैं उत्तर में, ये सबसे ऊपर देखो ये पंजाब हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय, ये नंदा देवी, ये नेपाल हिमालय, ये धौलागिरी, ये गौरी शंकर पर्वत, ये एवरेस्ट है माउंट एवरेस्ट, ये भूटान हिमालय हो गया, ये कंचनजंगा है सिक्किम में,
ये गारो और खासी जो मेघालय में पड़ती हैं, ये नागा पहाड़ियां नागालैंड में, ये पटकाई भूमि है अरुणाचल में, ये पूर्वी हिमालय हो गया यहाँ पर, इसके नीचे हो गया ये मणिपुर की पहाड़ियां मणिपुर में, ये मिजो की पहाड़ियां मिजोरम में, ये अराकान योमा श्रेणी है, ये भारत और म्यांमार की सीमा पर। ठीक है, तो इसे और अच्छे से देखना आप। अब इसमें नीचे है ये कि पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है। जो पश्चिमी घाट है ये विश्व की सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यूनेस्को ने भी इसे 2012 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अब ये आगे पश्चिमी घाट के कुछ प्रमुख पहाड़ियों का क्रम दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो इसमें सबसे ऊपर है नीलगिरी की पहाड़ी, उसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी, और सबसे दक्षिण में है इसमें इलायची या कार्डमम की पहाड़ी। याद रखना उत्तर से दक्षिण है नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची। अब आगे देखते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में है भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। जो पूर्वी घाट है वो ओडिशा से लेकर के तमिलनाडु तक है। इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी तथा पलार आदि नदियां द्वारा विच्छेदित तो होकर एवं अत्यधिक अपरदन के कारण पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम पाई जाती है, और इसकी औसत जो ऊंचाई है 1100 मीटर है। और पूर्वी घाट के मध्य भाग में दो समांतर पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिनमें से पूर्वी पहाड़ियों को वेलिकोंडा की श्रेणी और पश्चिमी पहाड़ियों को पालकोंडा की श्रेणी कहा जाता है। अब इसमें आगे देखते हैं कि पूर्वी घाट में कटीले शिखर, तीव्र ढाल सहित अत्यधिक विषम एवं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का क्षेत्र पाया जाता है, जिसे जवादी सेवरों आदि पहाड़ियों के रूप में देखा जाता है, जो अंत में नीलगिरी में निर्मित मिल जाता है। अब ये पूर्वी घाट की कुछ पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण को दिया हुआ है। जैसे नल्ला मलाई पहाड़ी सबसे उत्तर में है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। सभी जो ये चारों श्रेणियां हैं, ठीक है, सबसे उत्तर में नल्ला मलाई की पहाड़ी, उससे नीचे है वेलिकोंडा की पहाड़ी, उससे नीचे पालकोंडा की, और इसमें सबसे नीचे है नगारी की पहाड़ी। और इसमें और क्रम देखा जाए तो तमिलनाडु में है, इसके नीचे जवादी की पहाड़ी है, फिर उसके नीचे सेवरॉय की पहाड़ी, और उसके नीचे है पंचमलाई, और इसमें सबसे नीचे है सुरुमलाई की पहाड़ी। याद रखना आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई पहाड़ी, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी पहाड़ी, तमिलनाडु में जवादी पहाड़ी, सेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई के। आगे अब इसमें तटीय मैदान में देखते हैं कि भारत के तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वतीय पर्वत क्षेत्र यानी पूर्वी एवं पश्चिमी घाट तथा समुद्र तट के मध्य भाग में हुआ है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन व निक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जवाब से हुआ है। भारत के तटीय मैदान को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक है इसमें पश्चिमी तटीय मैदान, दो है पूर्वी तटीय मैदान। पहले देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान को। पश्चिमी तटीय घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। इसका विस्तार गुजरात के सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तटीय मैदान को पुनः चार वर्गों में बांटा जाता है। गुजरात का मैदान या तट सब जो इसको पश्चिमी तटीय मैदान को चार भागों में बांटा जाता है। इसमें सबसे पहले है गुजरात का मैदान या तट। गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, इसे कच्छ और काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट भी कहा जाता है। जो गुजरात का मैदान या तट है उसे कच्छ और काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कोकड़ का मैदान या कोकड़ का तट, इसे दमन एवं महाराष्ट्र से गोवा के बीच है ये। अगला है जो कोक अगला नहीं यही है कोकड़ और कोकड़ का मैदान या तट, इसे दमन व महाराष्ट्र से लेकर के पाया जाता है ये। अगला है इसमें कन्नड़ का मैदान या तट, गोवा से मंगलुरु के बीच का क्षेत्र कन्नड़
कन्नड़ का मैदान कहलाता है। अगला है इसमें मालाबार का मैदान या तट, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक या कन्याकुमारी में केप कोमोरिन तक। आगे इसमें भारत का पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में सबसे चौड़ा है और दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, लेकिन केरल में यह पुनः चौड़ा हो जाता है। कोंकण के तटीय मैदान का साल, सागवान आदि के वनों के लिए जाना जाता है। कन्नड़ के तटीय मैदान का निर्माण प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जिस पर गरम मसाला, सुपारी, नारियल आदि की प्रमुख रूप से खेती की जाती है। मालाबार के तटीय मैदान में कयाल पाए जाते हैं, जिन्हें लेंगून भी कहा जाता है, जिनका प्रयोग मछली पकड़ने, अंतर्देशीय जल परिवहन के साथ साथ पर्यटन स्थलों के रूप में भी किया जाता है। आगे इसमें केरल के पुन्नामदा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी बल्लम काली यानी नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। और आगे इसमें पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरणों में से एक है और यह अधिक कटाफटा होने के कारण पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। अब पूर्वी घाट में देखते हैं। पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी घाट तटीय मैदान कहा जाता है। ये तो हो गया ना? नहीं, सही सही है, सही है। अब पूर्वी घाट में देखते हैं। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जाता है। पूर्वी तटीय मैदान जो है इसको तीन भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला है उत्कल तट, यह स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच स्थित है और प्रमुख रूप से ओडिशा में जो महानदी पाई जाती है। उत्तरी सरकार तट है अगला, इसका विस्तार है महानदी से लेकर के कृष्णा नदी के बीच का, मतलब ओडिशा से लेकर के आंध्र प्रदेश तक। और अगला है इसका कोरोमंडल तट, इसका विस्तार है कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच यानी आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच। पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी की प्रधानता के कारण चावल की खेती अधिक की जाती है। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा में कोलेरू झील पाई जाती है। जो पूर्वी तटीय मैदान है उसके गोदावरी व कृष्णा नदियों का जो डेल्टा है उसमें कोलेरू झील स्थित है। चिलका व पुलिकट झील, लेगुन झील भी, लेगुन झील के उदाहरण उदाहरण है जो इसी पूर्वी तटीय मैदान में पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर एस्चुरी न बनाकर डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसीलिए यह पूर्वी भाग अधिक चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण की स्थिति के रूप में प्रमुख डेल्टा दिए गए हैं, जैसे इसमें प्रमुख डेल्टा है महानदी डेल्टा जो ओडिशा में स्थित है। अगला है गोदावरी डेल्टा, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है कृष्णा का डेल्टा, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कावेरी का डेल्टा यह तमिलनाडु से संबंधित है। देखना, महानदी का डेल्टा ओडिशा, गोदावरी का डेल्टा आंध्र प्रदेश, और कृष्णा का आंध्र प्रदेश में, और कावेरी का उससे नीचे तमिलनाडु में। अब भारत के प्रमुख द्वीपों के बारे में है कि भारत के द्वीप समूहों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह, तथा दूसरे अन्य द्वीप समूह जो हैं वो नीचे दिए हुए हैं, जैसे जिनमें प्रमुख द्वीप हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, द्वीप समूह और अन्य द्वीप। जैसे ये द्वीप समूह हैं इनमें तो आते हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, और अन्य द्वीपों में आते हैं श्रीहरिकोटा, पम्मन द्वीप, न्यूमूर द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप जिसे व्हीलर द्वीप भी कहा जाता है, और माजुली द्वीप। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। यह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 छोटे बड़े द्वीप हैं, और मुख्यतः यह द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। कुछ द्वीपों की उपस्थिति ज्वालामुखी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। इसमें अब देखो ये इम्पोर्टेंट है कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान द्वीपों के बारे में इसका विभाजन है कि सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, उसके नीचे है मध्य अंडमान, उससे नीचे दक्षिणी अंडमान, और सबसे नीचे है लिटिल अंडमान। उस उत्तर उत्तर से दक्षिण की तरफ ये क्रम है इसका। अब आगे इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य है कि इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैडल पीक उत्तरी अंडमान लगभग 738 मीटर है। इसकी ऊंचाई सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर है, और माउंट डियोबोलो ये पर्वत चोटी है मध्य अंडमान पर, इसकी 515 मीटर है। इसमें जो है सैडल पीक इम्पोर्टेंट है और आप देख लेना इसे। अब आगे देखते हैं, इसमें अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान पर है, और यहीं पर जो है सेलुलर जो जेल जो है इस पोर्ट ब्लेयर पर ही है। आगे कोको स्ट्रेट, यह अंडमान उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है, जो म्यांमार का कोको द्वीप है उससे अंडमान को अलग करती है। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास पाया जाता है। ये डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच है। अब मध्य अंडमान के पूरब में बैरन द्वीप स्थित है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, और यह मध्य अंडमान के पूर्वी भाग पर है। जबकि उत्तरी अंडमान के पूरब में स्थित नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है उत्तरी अंडमान में। निकोबार में भी कई और द्वीप समूह हैं, जैसे कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये अब निकोबार का विभाजन हुआ उत्तर से दक्षिण की ओर, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसमें 6 डिग्री ग्रेट चैनल जो है निकोबार को सुमात्रा इंडोनेशिया के जो सुमात्रा द्वीप है उससे अलग करता है। ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा के सबसे निकट अवस्थित भारतीय क्षेत्र है। अब ये हो गए, इसमें देखते हैं और कि भारत का दक्षिणतम जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिणी हिस्से पर है, और 2004 की सुनामी के कारण यह जल में डूब गया है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिंगमेलियन पॉइंट भी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान पर है। माउंट थुलियर अंडमान एवं निकोबार की दूसरी ऊंची चोटी है, यह ग्रेट निकोबार पर है। जो यहाँ जनजाति पाई जाती है वो प्रमुख है जारवा, सोम्पेन और सेंटलीच। आज भी अपने आदिम स्थिति में जीवन यापन करती हैं, ये पिछड़ी हुई हैं बहुत। वर्ष 2016 के 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार सोम्पेन जनजाति ने मतदान किया था। लगा लो अपने हिसाब से कि 2014 में इस जनजाति ने पहली बार मतदान किया था, तो कितनी पिछड़ी हुई है ये। आगे इसमें कि दिसंबर 2018 में रॉस द्वीप का नाम नील द्वीप, हेवलॉक द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, तथा शहीद द्वीप का नाम सुषमा स्वराज द्वीप कर दिया गया। ये तीन द्वीपों के नाम बदल दिए, रॉस द्वीप का नाम नील द्वीप कर दिया, हेवलॉक द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और शहीद द्वीप का नाम स्वराज द्वीप कर दिया। आगे अब लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं कि लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप है। यह द्वीपों की कुल संख्या इस पर जो है 36 है, जबकि इसमें केवल 10 द्वीप ही आबादी योग्य हैं। जिस पर निवास स्थल है वो 10 द्वीप ही हैं, बाकी सब जलमग्न है। कवरत्ती जलदीप लक्षद्वीप की राजधानी है, जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है, और मिनिकाय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, और 8 डिग्री से यह लक्षद्वीप मालदीव से अलग होता है। आगे अब श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। इसी द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है।
जहां से इसरो अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है। आगे श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आगे पम्बन द्वीप, यह आदम ब्रिज या राम सेतु का ही भाग है। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम भी स्थित है। यह मन्नार 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 की खाड़ी पर अवस्थित है। आगे न्यू मूरद्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है, जिसके कारण इस पर अधिकार को लेकर दोनों देशों के बीच उठे विवाद के चलते इसे दोनों देशों के बीच बांट दिया गया। न्यू मूरद्वीप को भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के कारण भारत के हिस्से में आए इस द्वीप का अधिकांश भाग जलमग्न है। जो भारत में इसका भाग आया है वो उसका हिस्सा अधिकतम जलमग्न है, मतलब जल से डूबा हुआ है। आगे इसमें अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के सागर तट से परे और राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है। इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के लिए भी करता है। माजुली द्वीप है। अब माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या सघन है, मतलब अधिकतर जनसंख्या जनसंख्या घनत्व तो जो है यहाँ पर अधिक है। माजुली को असम का 33वां जिला घोषित किया गया है। इसके साथ ही देश का पहला नदी द्वीपीय जिला भी बन गया है। इसके अन्य संबंधित तथ्य हैं कि कच्छ की खाड़ी अलग करती है कच्छ एवं काठियावाड़ को, खम्मात की खाड़ी अलग करती है काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से। ठीक है, और नर्मदा तथा तापी नदियों के मुहाने पर अवस्थित द्वीप हैं अलियाबेट और खदियाबेट। आगे वेलिंगटन द्वीप कोची शहर का भाग है। जो वेलिंगटन द्वीप है वो कोची शहर का भाग है। अगर जो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है वो तो अलग है, ये वेलिंगटन द्वीप है इंडिया का। ठीक है, भारत का जो शीत मरुस्थल है वो लद्दाख को कहा जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी, बता दिया ऊपर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जो ओडिशा में है। ओडिशा में है, कुछ स्रोतों में इसे जिंदगढ़ आंध्र प्रदेश में भी बताया गया है। पूर्वी घाट की गड़जात की पहाड़ियों में ओडिशा, गड़जात की पहाड़ियां ओडिशा में स्थित हैं। और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। आगे भारत के हिमालयी राज्य व केंद्र शासित प्रमुख प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम एवं पश्चिम बंगाल। ये हिमालय और हिमालय से संबंधित हैं सभी। हाँ तो दोस्तों, ये चैप्टर थर्ड था इस दृष्टि जियोग्राफी की सीरीज का। ये आज यहीं पर खत्म होता है और आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। अगली क्लास में कल करेंगे चैप्टर 4 से स्टार्ट। जब तक आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो को कंप्लीट दोबारा देखिए, एक बार देखिए, बार बार देखिए इसको, और नोट्स प्रॉपर रूप से बनाते रहिए और नोट्स को भी रिवाइज करते रहिए। अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भेजिए, लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए।